नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां 8 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बीएसएनएल कर्मचारियों एवं अधिकारियों दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो हड़ताल आगे भी बढ़ा सकते हैं। संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के जिला सचिव नफीस अहमद ने की मांग की सरकार बीएसएनएल को ऐसी व्यवस्था दे जिससे उपभोक्ता 3G के स्थान पर 4G सुविधा का लाभ अपने पुराने मोबाइल पर ही ले सके। जिस प्रकार निजी कंपनी अपने 4G सुविधा का लाभ दे रही है, उसी प्रकार बीएसएनएल को भी करना होगा। इस मुद्दे पर सरकार आधी अधूरी बात कर रही है। इसके अलावा इस दौरान कर्मचारी एवं अधिकारी ने सरकार द्वारा बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन करने का विरोध किया। एएस न्यूज गाजीपुर। हम लोगों को 2 दिन से हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है 2 दिन हम लोग पीछे हड़ताल कर चुके हैं। आज 3रा दिन है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे आयोग के नेताओं को अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, ना कोई समझौता करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए हम लोगों ने ये यज्ञ का आयोजन किया गया है गाजीपुर में, और भी कई जिलों में और पूरे इंडिया में जो है इस तरीके यज्ञ और जो है चीज़ें की जा रही, ताकि सरकार को जो है बुद्धि आए। जो बुद्धि उनकी जो भ्रष्ट हो चुकी है, ऊपर वाले से हम ना कामना कर रहे हैं यज्ञ के जरिए कि उनको बुद्धि दे और हम सभी लोगों की मांगों को पूरा करे। और जो भ्रम पब्लिक में फैलाया जा रहा है कि बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते हैं, उसके खिलाफ भी आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि साथ 4G स्पेक्ट्रम आज तक हम लोगों के लिए आवंटित नहीं कर रहे हैं, और बड़ी कंपनियों को पहले ही 4G उन्होंने दे रखा है, और 3G को हमारे अगर देना भी चाहते हैं तो कहते हैं 3G को आप जो स्क्रैप करिए, स्क्रैप करने से बीएसएनएल को ज़्यादा घाटा होगा। इसलिए हम लोग लगातार ये यज्ञ और आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी।